आपको सबसे पहले सॉरी फॉर कॉलिंग यू सच अ शॉर्ट नोटिस, बहुत छोटा नोटिस में वी आर कॉलिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इज अ रिएक्शन ऑन व्हाट द आईपीएफटी हैज डन जस्ट नाउ। एंड सबसे पहले मैं आपको एक बात क्लियरली बोलना चाहता हूँ कि आज मैं सच में मुझे बहुत दुख लगता है जब मैं अपनी तरफ से हर तरीके से लोगों को हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ, उनका पार्टी नहीं देखकर लेकिन कोरोना के सिचुएशन देखकर, जो लोग पंजाब में फंसे हुए हैं, जो बैंगलोर में हैं, जो शिलोंग में हैं, जो गुवाहाटी में हैं, जो हैदराबाद में हैं, कलकत्ते में हैं, उन सबको लाने के लिए हम अपने पैसे से, अपने पॉकेट से, गवर्नमेंट मनी नहीं, अपने पॉकेट से पैसा खर्च करके कोरोना के टाइम उनको प्रॉब्लम हो रहा है, स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो रहा है, जो एम्प्लॉयज है उनको हेल्प करने के लिए हम उनको वापस त्रिपुरा ला रहे हैं। और यहाँ में एक रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी जो प्रशासन में है, वो कोरोना के टाइम प्रोग्राम्स कर रही है और अब उन्होंने कोरोना के टाइम स्ट्राइक भी बुलाया, लेकिन मैंने उनके बहुत एमएलए से बात किया है, वो भी नहीं जानते हैं कि ये क्यों हुआ हो रहा है। मैं काफी कॉन्फिडेंस से बोल सकता हूं कि रूलिंग जो गवर्नमेंट है बीजेपी, उनको भी मालूम नहीं क्या हो रहा है। और मैं उनको अपील करना चाहता हूं कि कोरोना के टाइम जब पहले से लोग कष्ट में हैं, पहले से रोजगार बंद है, पहले से आदमी को बहुत प्रॉब्लम्स हो रहा है, तो उस समय पॉलिटिक्स नहीं करें और ये स्ट्राइक को विड्रॉ करें। ये स्ट्राइक लाकर आप क्या प्रूव करना चाहते हैं? आपने इलेक्शन फाइट किया है, इलेक्शन का रिजल्ट सामने है, अभी इलेक्शन का टाइम नहीं है, अभी पॉलिटिक्स का टाइम नहीं है। त्रिपुरा में कोरोना का सिचुएशन खराब है और हम लोग सब कोशिश कर रहे हैं एज पीपल ऑफ त्रिपुरा टू स्टॉप द स्प्रेड ऑफ कोरोना एंड ऑल्सो टू हेल्प पीपल जो सफर कर रहे हैं, जो डेली वेज अर्नर्स हैं, उनको हेल्प करने के लिए। लेकिन इस समय अगर आप स्ट्राइक कॉल करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि ये बहुत अच्छा मैसेज जाएगा, लोग हमारे राज्य के ऊपर हंसेंगे। और मैंने और एक स्टेटमेंट सुना है सिटिंग मिनिस्टर से कि देर इज नो लॉ एंड ऑर्डर इन द स्टेट। लॉ एंड ऑर्डर इज अ स्टेट गवर्नमेंट सब्जेक्ट। द चीफ मिनिस्टर ऑफ त्रिपुरा इज द होम मिनिस्टर ऑफ त्रिपुरा। अगर आपको कोई आपत्ति है तो आप जाकर ये बात चीफ मिनिस्टर से बात कर सकते हैं, लेकिन इस टाइम में आप पब्लिक में रिएक्शन देंगे, कभी मुझे ब्लेम करेंगे, कभी सीपीएम को ब्लेम करेंगे, कभी बीजेपी को खुद ब्लेम करेंगे और बोलेंगे कि लॉ एंड ऑर्डर नहीं है इस राज्य में। पब्लिक सब जानती है कि लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है और आप ही की सरकार के अंदर लॉ एंड ऑर्डर। आज जो हमें सिक्योरिटी भी दिया जाता है ईएम्स को, सीएम्स को, एमडीसी को, ये जो सिक्योरिटी दिया जाता है ये हम अपना सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करते हैं, ये दिया जाता है स्टेट गवर्नमेंट से, हमें भी सुरक्षा स्टेट गवर्नमेंट ही करता है। तो इस कोरोना के टाइम में अगर आप पॉलिटिक्स नहीं करेंगे, आपने देखा जो आज हुआ, मैं खुद गया पुलिस स्टेशन, मैंने खुद वो जो आदमी ने गुंडागर्दी की उसको मैंने पकड़ के पुलिस के सामने रखा, मैंने उसको पार्टी से सामने सामने सस्पेंड किया। मैं अपने तरफ से पूरा तरीके से हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूं कि कोरोना के टाइम राजनीति नहीं होना चाहिए, जो लोग फंसे हैं उनको हेल्प होना चाहिए, जिसको मुश्किल है उसको हेल्प होना चाहिए। लेकिन यहां में इनको सिर्फ पॉलिटिक्स दिखाई पड़ रहा है, तो मैं अपील करता हूं क्योंकि वहां में 8 MLA है, मुझे नहीं लगता कि ये 8 MLA के संग किसी के संग बात हुआ है। मैं अपील करता हूं कि इस टाइम हम लोग आइए आमने सामने बैठकर बात करते हैं, लेकिन इस टाइम पब्लिक को आप कष्ट देकर आप किसी का भला नहीं कर रहे हैं और हमारा पूरा स्टेट का आप नाक काट रहे हैं, हमको शर्म लगता है। सो आई एम अपीलिंग थ्रू द मीडिया, मैंने खुद भी फोन किया था मिनिस्टर को और मैं अभी भी आपके थ्रू अपील करना चाहता हूं
कि मेरे ऊपर भी बहुत बार काला झंडा दिखाया गया, हमारे ईएमसी के ऊपर भी बहुत बार अटैक किया गया। मुझे क्लियरली याद है, मैंने जितेंद्र चौधरी से बात किया था जब उसके ऊपर ओमपी में अटैक हुआ था। ये पॉलिटिक्स जो वायलेंस का है, ये आज नहीं शुरू हुआ है और वो एक दिन में खत्म नहीं होगा। लेकिन अगर मैंने पॉजिटिव एटीट्यूड लिया है और मैं एक पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़ रहा हूं, दो कदम मैं आगे चल रहा हूं, तो आपको क्या प्रॉब्लम है दो कदम आगे कहीं चल के आने के लिए? आप लोग तिपरासा तिपरालैंड तिपरासा तिपरालैंड बोलते हैं, तो मैं तिपरासा नहीं हूं, जितेंद्र चौधरी तिपरासा नहीं है, रामपद जमतिया तिपरासा नहीं है, हमारा पूर्ण जमतिया तिपरासा नहीं है, कमल कोलाई विजय रामपद तिपरासा नहीं है। ये बात को आप पब्लिक को कष्ट क्यों दे रहे हैं? ये तो नेता लोगों का प्रॉब्लम है, आप पब्लिक को क्यों कष्ट दे रहे हैं? और इसी के लिए मैं आप सबको बोलना चाहता हूं कि आज ना कोई आके बोलता कि मैं पॉलिटिक्स में हूं तो हमको शर्म लगता है, क्योंकि पब्लिक हम लोगों को विश्वास ही नहीं करती, क्योंकि हमको हमेशा नेतागिरी और शोमैनशिप करना है। मैं अपील करता हूं, प्लीज मीडिया के थ्रू, मीडिया से भी बहुत लोग कोरोना में मरे हैं, डॉक्टर से बहुत लोग मरे हैं, हमारे गांव में सिचुएशन खराब हो सकता है। इस टाइम जो दिन का 100 रुपए कमाता है, दिन का 150 रुपए कमाता है, जो फ्रंटलाइन वर्कर्स है, उनको कितना मुश्किल होगा। तो प्लीज इस टाइम ये कोरोना जात को नहीं देखता, ये कोरोना हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन को नहीं देखता है, ये कोरोना सबको लग सकता है। इस टाइम तो प्लीज पूरा इंडिया में हमने सस्पेंड कर दिया है पॉलिटिकल एक्टिविटी, आप भी इसको रिकंसिडर कीजिए। थैंक यू, एनी क्वेश्चन आई विल बी हैप्पी टू आंसर। मैंने उसको अरेस्ट भी कराया, अरे आप देखिए ना, देखिए मैं मेवाड़ के बारे में क्या बोलूं, उनका एमएलए ने एफआईआर फाइल किया एक आदमी के खिलाफ, जैसे मुझे मालूम पड़ा कि वो आदमी था, मैंने खुद अपने लोगों को बोला उसको पकड़ के लेके आओ और मैंने पुलिस स्टेशन में उसको सरेंडर कराया। मैंने किसी हवा से तो आदमी को लेके नहीं आया, उनका एमएलए ने बोला था ये आदमी है और इसी के लिए मैं उसको लेके आया। और दूसरा बात, ये जो आदमी आया है वो भी उसी के पार्टी से 1.5 महीने पहले आया है, हमारे पार्टी में कोई पोस्ट नहीं होल्ड करता, लेकिन क्योंकि मुझे लगता है कि ये जो कल्चर है, एक टाइम सब सीपीएम थे, एक टाइम सब आईपीएफ थी बीजेपी हुए, आज बहुत लोग तीसरा मोथा में है, कल और एक टाइम कहीं और जा सकते हैं, आदमी तो वही है ना, हम तो कहीं नई है, नया बच्चा तो पैदा नहीं कर रहे ना, कहीं नया से तो हवा से तो आदमी लेके नहीं आ रहे, ये कल्चर प्रॉब्लम है। लेकिन मेरा पॉइंट बड़ा है, आप मंत्री हो, लॉ एंड ऑर्डर आपके अंदर है, आपके कैबिनेट कुलीग के अंदर है, इस टाइम आप अपने कैबिनेट कुलीग से बात करके आप एक बार बीजेपी से सवाल पूछ लीजिए। मैं आपको 100% गारंटी देके बोलता हूं कि बीजेपी ये स्ट्राइक को सपोर्ट नहीं कर रहा है, 100% मैं बोल सकता हूं कि ये स्ट्राइक को कांग्रेस भी सपोर्ट नहीं करेगी, क्योंकि वो सब जानते हैं कि अभी कोरोना एक बड़ा इशू है। तो ये स्ट्राइक करके वो क्या प्रूव करना चाहते हैं? मैं रेडी हूं, आप कल आइए मुझसे मिलिए, मैं उनके घर में जाने के लिए तैयार हूं, हम पीस मीटिंग करते हैं। मैंने तो जब मेरे ऊपर अटैक हुआ, कोई सस्पेंड हुआ था बीजेपी से, जब कितने लीडर के ऊपर अटैक हुआ, कोई आईपीएफटी से सस्पेंड हुआ, जब हताए कतौर में 12 दिन ये जो न्यू कल्चर लाया आप रोड ब्लॉकेट करके, ये किसने शुरू किया? आज मैंने तो एटलीस्ट कोशिश किया है कि मैं खुद गया पुलिस स्टेशन, आज तक एनसी देवबर्मा में पुलिस स्टेशन आकर मेरा हालचाल पूछा है या किसी और का हालचाल पूछा है? मैं तो खुद गया ना, एज अ चेयरमैन मैं खुद गया, मैं खुद पकड़ के लेके आया, एक आदमी कोशिश कर रहा है। मैं तो अपने पॉकेट से, जो पंजाब से लोग आ रहे हैं, जो बैंगलोर से आ रहे हैं, मैं तो हेल्प कर रहा हूं ना, मैं पूछ रहा हूं कि आपने आईपीएफटी बीजेपी सीपीएम को वोट किया था, मैं तो अपनी तरफ से हेल्प कर रहा हूं। जब माननीय कोर्ट में रेड हुआ, मैंने उस टाइम भी कुछ नहीं बोला, क्योंकि मैं जानता था कि फोकस कोरोना में है, अगर माननीय कोर्ट के बारे में हमने बात किया तो बात इधर का उधर जाएगा, मुझे कोरोना से फोकस हटाना नहीं है। इन लोगों को परवाह है,
ये पावर पूरा जिंदगी नहीं रहता, मैं जानता हूं कि मेरा भी ये पावर भी है, पूरा जिंदगी नहीं रहेगा, लेकिन इस कोरोना के टाइम अगर मैंने राजनीति नहीं किया और मैंने लोगों के बारे सोचा तो कुछ भला होगा। तो उसको पहला अपना होमवर्क करने दीजिए। और लॉ एंड ऑर्डर मेरा सब्जेक्ट नहीं है, अगर आप लॉ एंड ऑर्डर से नाखुश हैं तो आप अपने सरकार से बात कीजिए। और मैं आपको बोल रहा हूं, ये जो स्ट्राइक है उनके सहयोगी पार्टी में सपोर्ट नहीं कर, मैं चैलेंज करके बोल सकता हूं कि बीजेपी ये स्ट्राइक को सपोर्ट नहीं करेगी, क्योंकि ये टाइम हड़ताल का है ही नहीं, ये टाइम स्ट्राइक का है ही नहीं, ये टाइम कोरोना के लिए पहले से हम लोग का प्रॉब्लम है, ये मैं बोलना चाहता हूं। सर आपको क्या लगता है जो आईपीपी अभी ये स्ट्राइक उसमें क्या है के उसका सपोर्ट धीरे धीरे कमती हो रहा है, इसीलिए चुप ऐसा वैसा नहीं, अगर आप ऐसी हरकत करेंगे कोरोना के टाइम स्ट्राइक, कोरोना के टाइम बंद, कोरोना के टाइम रोड, किसी का घर में उसका मां मर रहा है, किसी के घर में किसी का ग्रैंडफादर मर रहा है, किसी का बच्चा अटका हुआ है बैंगलोर में, आप उनको हेल्प करने के लिए कुछ कीजिए ना। यहां में पहले से बिजनेस बंद हो चुका है, आप सरकार में होकर आप आंदोलन कर रहे हो, आपको ये तो ऑपोजिशन का काम था, आप तो ऑपोजिशन का काम कर रहे हो सरकार में बैठकर, आप अपना माइंड मेकअप कर दीजिए ना कि आप सरकार के संग है या सरकार के विरोध है, ना यहां का है ना वहां का है, आपको मंत्री दोनों रहना है, आपको मंत्री बन के रहना है, लेकिन आप अलायंस नहीं तोड़ोगे टीटीएडीसी इलेक्शन के टाइम जब यहां में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, हम मंत्री रहेंगे लेकिन हम बीजेपी के संग अलायंस नहीं करेंगे, ये बोला नहीं था यहां। तो अब आप माइंड मेकअप कीजिए, आपको अगर सरकार में बैठना है तो सरकार के साथ काम कीजिए, अगर सरकार में नहीं बैठना तो सरकार से बाहर निकलिए, लेकिन अपने मन में आप जो भी आगे, आज मैं खुद गया पुलिस स्टेशन, मुझे कोई दरकार था, मैं आज खुद हॉस्पिटल गया, मेरा मां को कोरोना हुआ है, आज भी कोविड पॉजिटिव, मेरा मां 76 ईयर्स ओल्ड है, मैं कलकत्ता छोड़कर यहां आया हूं पॉलिटिक्स करने आया हूं, यहां में मेरा मां को कोविड राजमाता को कोरोना पॉजिटिव है, लेकिन मैं उनका भी मेरे को हॉस्पिटल ले गया, यहां में मैं एक पॉजिटिव पॉलिटिक्स करने की कोशिश कर, आदमी को सस्पेंड किया, आज तक कोई पॉलिटिकल नेता सस्पेंड हुआ है एक घंटे के अंदर, तो करो राजनीति, एक टाइम आप 8 सीट था, आज 0 हो गया, क्योंकि आप पॉलिटिक्स का मतलब होता है सेवा, आपको सेवा करना नहीं, आपको सिर्फ ये अटकाने का एक तरीका मन में आ रहा है। मैं आपको चैलेंज करके बोलता हूं कि ये स्ट्राइक को इवन बीजेपी सपोर्ट नहीं करेगी, अगर करेगी तो बीजेपी को स्वीकार करना पड़ेगा कि वो उनके पास लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं है। ये बात आप प्राइवेटली बात कर सकते थे, मुख्यमंत्री से बात कर सकते थे, मुझसे बात कर सकते थे, मुझे तो फोन आते रहता है, तो क्यों नहीं बात करते प्राइवेटली, इससे क्या फायदा होगा किसी को, मैं इसी के लिए अपील कर रहा हूं, अभी भी देर नहीं हुआ है, आप ये स्ट्राइक को प्लीज विड्रॉ करिए, ये स्ट्राइक से फिर से वायलेंस बढ़ेगा, और जो फोकस होना चाहिए इस समय, फोकस होना चाहिए कोरोना, आपका जर्नलिस्ट हमारे यहां में तन्मय का डेथ हो गया, कितने लोग बीमार हैं, हम उसके बारे ऑक्सीजन सिलेंडर के बारे बात करें, एम्बुलेंस के बारे बात करें, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने नहीं किया है कि वैक्सीनेशन ठीक से करना चाहिए, हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं वैक्सीनेशन के लिए नहीं, हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं रोड ब्लॉकेट के लिए, ये क्या हम 2021 में त्रिपुरा में पूरा इंडिया देखता बोलता कि ये लोग क्या क्या काम कर रहे हैं। सर ये एक बात है सर, आपका जो अभी अपील क्या है, वो अपील को आप वो लोग स्वीकार करके जो या अगर उन्होंने मेरा अपील स्वीकार किया, मैं हाथ जोड़ के बोलता हूं, मैंने खुद धीरेन्द्र को बोला सॉरी, मैंने तो उनको नहीं अटैक किया था, लेकिन क्योंकि वो आदमी आईपीएफटी से तिपरा मोथा में 1 महीना 1.5 महीना पहले आया, कोई पोस्ट भी होल्ड नहीं करता, आज मैंने सस्पेंड कर दिया, मैंने उसको पुलिस स्टेशन जाके डाला। सर अगर नहीं माने तो फिर भी ये स्ट्राइक उन लोगों को लगता है स्ट्राइक करना है, तो आप लोगों का क्या रिएक्शन रहेगा, क्या मेरा क्या रिएक्शन है, मैं तो सरकार में नहीं हूं, लॉ एंड ऑर्डर स्टेट गवर्नमेंट के पास है, अगर वो लोग 22 तारीख को वो लोग अगर रोड ब्लॉकेट करेंगे तो गवर्नमेंट को चुनना पड़ेगा कि वो पब्लिक के लिए है या पावर के लिए है,
महाराज रिसेंटली जो एक कमेटी बनाया गया है कोरोना मॉनिटरिंग के लिए, वहां पे ईडीसी से किसी भी रिप्रेजेंटेटिव को नहीं रखा गया है कोरोना, तो उसके बारे में आपका कहना क्या कहना है? एंड द सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट इज योर सजेशन टू द स्टेट गवर्नमेंट रिगार्डिंग द कोविड मैनेजमेंट ऑफ द एंटायर स्टेट? माई सजेशन इज आई एम रेडी, अगर आप एडीसी से हमको अगर इन्वॉल्व करेंगे हम बहुत खुशी है, क्योंकि 70% ऑफ त्रिपुरा तो एडीसी ही है। अगर आप हमको निमंत्रण करेंगे, हम तो दुश्मन किसी के नहीं है, हमको भी जनता ने चुना है, हमारे पास भी कुछ व्यू हो सकते हैं। अगर आप हमको कमेटी में रखेंगे तो हम बहुत खुश होंगे, क्योंकि हमारे पास भी कुछ सजेशन है, पॉजिटिव है, मैं नेगेटिव पॉलिटिक्स नहीं करना चाहता। और रहा बात आपका जो दूसरा क्वेश्चन का कि एडीसी के बारे, आपने क्या पूछा था कि क्या सजेशन है कि कोविड-19 हाँ स्टेट पे मैनेजमेंट, मुझे लगता है कि देखिए वैक्सीनेशन जो प्रोग्राम हो रहा है, डेथ्स देखेंगे तो इस बार वैक्सीनेशन ठीक चला है, लेकिन हमें तभी भी कोरोना एक ऐसा बीमारी है कि हमने अगर थोड़ा सा भी हम लैक्स हुए, जैसे कि कुंभ मेला में इतने लोग आ गए, जैसे कि बंगाल के इलेक्शन में इतने लोग आ गए, आसाम, आज आप आसाम को देख लो, तो अगर हम सतर्क नहीं रहे तो आज जो त्रिपुरा मोटा मोटी हम लोग ठीक से ही चल रहा है, अगर हम सतर्क नहीं रहे तो ये कोरोना वापस आ सकता है। हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रॉब्लम है, ये सब ये सरकार भी मानेगी, ये सीपीएम भी मानेगी, ये मुझे भी मानना पड़ेगा कि आज हमारे पास अस्पताल में इतना ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है, इतना पलंग नहीं है, इतना सुविधा नहीं है, और पूरे इंडिया में इतना वैक्सीन भी नहीं है। तो अगर कोरोना यहां में आएगा तो हमें, अगर खराब भगवान ना करे अगर आया, तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, और इसके लिए इस टाइम मुझे नहीं लगता कि स्टेट में हमें अपोज करना चाहिए फॉर द सेक ऑफ ऑपोजिशन, हमें कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए, जहां में हमारा सुझाव नहीं आ जाएगा हम देंगे, और इसी के लिए मैं वेलकम करूंगा अगर स्टेट गवर्नमेंट हमें एक बार मौका देता है कि उस पैनल में हम भी रहे, हम भी इतने गए गुजरे नहीं है, हमें भी एक मौका दे तो हम जाकर हम अपना सुझाव दें, अगर गवर्नमेंट नहीं देगी तो वो उनके ऊपर। सर आईपीएफ की तरफ से डेलीगेशन लगाया गया है कि जिस कमेटी बनाया गया है 587 का, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और इसको विथड्रॉ करने के लिए बताया है। आईपीएफटी के मंगल देव वर्मा ने ये भी कहा था कि तिपरा मोथा का जो सिंबल है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और इलेक्शन कमीशन में वो इलेक्शन फाइट करेगा, तो उसने किया है। एलिगेशन लगाना बहुत आसान पड़ता है, मुझे लगता है कि उनको इस टाइम राजनीति नहीं, कैसे कोरोना को फाइट करना है उसके लिए बात करना चाहिए और आकर हमसे बैठकर बात करना चाहिए। ये जो चल रहा है इससे नुकसान उनका हो रहा है, लेकिन नुकसान स्टेट का भी हो रहा है। आज अभी भी हमारे पास दो मंत्री हैं जो कैबिनेट में हैं, अगर वो अपना ध्यान हमारे जनजाति के ऊपर ज्यादा दे ना कि राजनीति के ऊपर, प्रद्योत विक्रम माणिक्य उनका दुश्मन नहीं है, मैं तिपरासा हूं, मैं उनको आदर करता हूं, वो भी तिपरासा है, और जब तिपरासा तिपरासा को मारता है तो नुकसान तिपरासा का होता है। मैं इसी के लिए मैंने अपने आदमी को, उसको आदमी को सस्पेंड किया और मैंने कह दिया कि ये काला झंडा का राजनीति नहीं चलेगी, वो भी अगर पुराने रकम का सोच को छोड़ दे, ये पुराना जमाना का सोच है उसको छोड़े और नए जमाने के सोच में चले तो उन्नति यहां में होगा। आज पॉकेट में पैसा नहीं है, पेट में खाना नहीं है, नौकरी नहीं है, फंड्स का कमी है, हम पूरे आई वॉन्ट टू गिव मैसेज टू द पीपल ऑफ द स्टेट, राइट नाउ वी आर ऑल त्रिपुरी, राइट नाउ दिस यू ऑल डोंट नो हाउ बैड कोरोना इज, माई मदर इज सफरिंग फ्रॉम कोरोना, माई अंकल इज इन अ वेंटिलेटर।